अभिनेता कमल हसन की गिनती साउथ सिनेमा के अलावा बॉलीवुड के भी दिग्गज कलाकारों की लिस्ट में होती है। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय भी किया है और भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। कमल हसन ने कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। कमल हसन शानदार कलाकार होने के अलावा बेहतरीन निर्देशक, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर और भरतनाट्यम के ट्रेंड डांसर भी हैं। उन्होंने सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म कलाथुर कन्नमा थी। ये तमिल फिल्म साल 1960 में आई थी। इसके बाद बतौर मुख्य अभिनेता कमल हसन की डेब्यू फिल्म अरंगेट्रम थी। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। कमल हसन ने हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में कई फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी मुख्य अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक दूजे के लिए थी। ये फिल्म साल 1981 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कमल हसन के साथ अभिनेत्री रति अग्निहोत्री मुख्य भूमिका में थी। दर्शकों ने ये फिल्म एक दूजे के लिए को खूब पसंद किया था। भारतीय सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए कमल हसन को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए कई शानदार पुरस्कार भी हासिल किए हैं। कमल हसन फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने दो शादियां की हैं। कमल हसन ने पहली शादी मशहूर डांसर वाणी गणपति से साल 1978 में की थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता केवल 10 साल तक चला और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वाणी गणपति से तलाक से पहले कमल हसन की जिंदगी में अभिनेत्री सारिका आई। कमल हसन और सारिका ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। जब वाणी को कमल और सारिका के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अभिनेता से तलाक ले लिया। इसके बाद कमल हसन और सारिका ने साल 1988 में शादी कर ली। इन दोनों की दो बेटियां अभिनेत्री श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी हैं। फिल्मों के अलावा कमल हसन राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम मक्कल निधि मय्यम है। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।